नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जानसठ विकास खंड के प्रांगण में आत्मा योजना के अंतर्गत रवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोक प्रमुख नरेंद्र सिंह मौजूद रहे, जिसमें रवि फसल के अंतर्गत सरसों, गेहूं, जौ, मसूर, चना आदि फसलों की नवीनतम जानकारी हेतु केवी के चित्तौड़ा से वैज्ञानिक डॉक्टर यशपाल सिंह ने उद्यान विभाग के अंतर्गत आम, अमरूद, सरसों, गेहूं आदि के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर जीव लांबा के द्वारा बर्मी डिकम्पोजर एवं पोषण के बारे में जानकारी दी गई। आत्मा योजना जनपद के प्रभारी प्रभात मलिक द्वारा आत्मा योजना के अंतर्गत प्रदर्शन, भ्रमण, प्रशिक्षण आदि के विषय में जानकारी दी गई। सेवानिवृत्त विषय वस्तु विशेषज्ञ राम किशोर द्वारा जैविक खेती के अंतर्गत जीवन अमृत, धनामृत, मटका खाद और जैविक कीट प्रबंधन के बारे में बताया गया। मैं प्रभात मलिक, आत्मा जिला प्रभारी, मुजफ्फरनगर से। आज जो है आपके विकास खंड जानसठ में आत्मा योजना अंतर्गत जो है रबी गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें रबी से संबंधित फसलों की जानकारी एवं कृषि की नवीनतम तकनीकी जानकारी किसानों तक पहुंचाई गई, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि रबी में कौन कौन सी फसलें हैं, इनमें कौन कौन से रोग हैं और किस तरह से पशुओं इसकी फसल की पैदावार का उत्पादन जो है कम लागत में किसान अधिक से अधिक ले सके, इसके बारे में जानकारी देने का एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र चितौड़ा से कृषि वैज्ञानिक थे और मुख्य अतिथि के रूप में विकास खंड प्रमुख नरेंद्र जी थे और हमारे कर्मचारी आत्मा से और विकास खंड के एग्रीकल्चर के कर्मचारी सभी इसमें उपस्थित थे। सभी वक्ताओं ने जो है कृषि और कृषि संबंधित जो है जानकारी जो है श्रोताओं को दी और गोष्ठी का मेन उद्देश्य आत्मा की प्रचार प्रसार एवं नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना किसानों तक, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।